नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। अखिल भारतीय रोनियार महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय कल्लू प्रसाद आर्य की श्रद्धांजलि सभा में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर प्रयोग जगन्नाथ गुप्ता ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। गया के अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राम लखन स्वर्णकार, पूर्व गया जिला अध्यक्ष सह जदयू नगर अध्यक्ष राजू वर्णवाल, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के रिपोर्टर धीरज गुप्ता, अखिल भारतीय रोनियार महासभा के जिलाध्यक्ष राजू, महासचिव अरुण कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, जगत किशोर गुप्ता ने चित्र पर माल्यार्पण किया। प्लास्टिक का बहिष्कार करने के उद्देश्य से बोधगया में वात्सल्य निर्भया शक्ति ने एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक से होने वाली गंदगी, बीमारी और प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक में कोमल, अभिजीत, अभिषेक, विकास और आदित्य शिल्पी ने भाग लिया। अलवर से चित्रा मुद्गल के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गौरी देवी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में सोशल मीडिया जानकारी के अभाव के दुरुपयोग के संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला और सेशन न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास, एडीजे रूपा गुप्ता, सरिता स्वामी, न्यायाधीश सतीश कौशिक, देवेंद्र नगर, अखिलेश कुमार, जगेंद्र अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणुका सिंह हुड्डा शामिल रहे। साथ ही जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ, एडीजे देवेंद्र नागर, अखिलेश, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले मनोज चाचान, कॉलेज व्याख्याता रेखा शर्मा, कॉलेज के अध्यक्ष डिंपल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष लता भोजवानी, पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, व्यापार संघ के सुभाष अग्रवाल, गौरी शंकर, विजय सहित कॉलेज स्टाफ के छात्र छात्राएं मौजूद थे। अलवर से चित्रा मुद्गल के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र पुलिस में चयन होना और वहां हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करना देश और पुलिस अधिकारियों के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला पल होता है। हिंदुस्तान के काबिल पुलिस अधिकारियों के चयन के लिए अमेरिका स्थित यूएन हेडक्वार्टर से एक विशेष टीम हर 2 साल में भारत आती है। भारत के सभी राज्यों से बीएसएफ, आईटीबीटी, एसएसबी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीबीआई सहित सभी से आवेदन लिए जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है चयन प्रक्रिया। अभी तक राजस्थान से एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, एमपी अलवर राजेंद्र सिंह, अजमेर के एसपी राजेश सिंह, एसपी शंकर दत्त शर्मा, एसपी संदीप सिंह, एसपी मोहनलाल शर्मा, वायरलेस एडीएसपी मारुति जोशी और प्रतापगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक यूएन पुलिस में सेवा देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। मथुरा में श्री अग्रवाल सभा द्वारा हर साल की तरह साल भी श्री महाराजा अग्रसेन जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 7 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में मसानी हाईवे लिंक रोड पर अग्रसेन वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल कोषदावाले, प्रधानमंत्री रविंद्र मास्टर, उपाध्यक्ष गोपाल दास काजूवाले, नगेंद्र मोहन मित्तल एडवोकेट, कोषाध्यक्ष गोवर्धन दास, नीनू मुकुटवाले, संगठन मंत्री शिशुभान गर्ग, आय व्यय निरीक्षक डॉक्टर अशोक, चंदा संयोजक विजय औषधालय वाले, महावीर मित्तल, महेश अग्रवाल, सुरेश चौधरी, राजेश बजाज आदि ने समस्त लोगों की अपील है कि वे जयंती महोत्सव में सम्मिलित होकर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव नीरज कुमार ने भत्सरा थाना पाली जिला जहानाबाद का दौरा किया, जहां ठेकेदार राजकुमार अवैध तरीके से बिजली विभाग कंपनी द्वारा दर्जनों पेड़ काट रहा है, जिसकी सूचना जिला अधिकारी जहानाबाद और कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग परियोजना को दी गई। इस बारे में नीरज कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उप
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर कृषि कार्यों को लाभदायक और आजीविका चलाने में सक्षम नहीं बनाया गया तो किसान खेती छोड़ सकते हैं। पैदावार बढ़ाने के साथ साथ कृषि लागत कम करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उर्वरकों, कीटनाशकों, बिजली और पानी के अंधाधुंध उपयोग पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। उन्होंने ये बात हैदराबाद में स्वर्ण भारत न्यास परिसर के सालाना पुरस्कार समारोह के दौरान कही। दिल्ली के सियासी गलियारे में सोमवार को एक बड़ी हलचल देखने को मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदापल्ली के पलानी स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पलानी स्वामी ने ये भी कहा कि गठबंधन के लिए वो चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद ही कोई विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने मुलाकात को औपचारिक ही बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री जल्द ही अपनी बहन के साथ सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 12 में नजर आने वाली हैं और इसके लिए तनुश्री सुर्खियों में आने के लिए ऐसा काम कर रही हैं। लेकिन इस पर तनुश्री ने बयान दिया कि ये एक तरह से मुझे नीचे गिराने की कोशिश है, ऐसा कहकर मैं ये सब बिग बॉस के घर में हिस्सा बनने के लिए कर रही हूँ। क्या आपको लगता है ये एक महान आकांक्षा है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सलमान खान भगवान है और बिग बॉस स्वर्ग है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।